हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एचटीएमएल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से और ऐसे टाइप्स हैं इनपुट फील्ड के लिए जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने एचटीएमएल फॉर्म्स के साथ में। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारे इनपुट फील्ड्स को डिस्कस किया था, तो ये जो सेशन है वो उसके कंटिन्यूशन में ही है। ठीक है, यहाँ पे हम दो और ऐसे फील्ड्स के बारे में देखेंगे जिसके थ्रू हम एक तो यूज़र को फाइल सेलेक्ट या फाइल अपलोड करने का एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हमारे को कभी कोई रीसेट ऑप्शन देना है तो वो कैसे देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वही अपन काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से कोड लिख के दिखाऊंगा और फिर उस कोड को हम समझेंगे कि कैसे वो यूज़र स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन वॉच नहीं करे हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप इसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो ये आपको और भी ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बेसिक एचटीएमएल कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें एक कुछ कमेंट्स लाइन शो हो रहे हैं और एक हेडिंग लिखी हुई है एचटीएमएल बाय टेक्सचर में। तो अगर इसका आउटपुट आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे सेव करके वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करके, तो कुछ इस तरह से दिखेगा HTML by टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया। अब करते हैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, H2 टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड के बारे में हमारे को स्क्रीन पे शो हो जाएगी एक हेडिंग, टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन एचटीएमएल फॉर्म्स। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स की। देखो, एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि इनपुट फील्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म्स में यूज़ होगा, आप चाहो तो कहीं और भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इसको इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन क्या लिखेंगे, फॉर्म्स की बात हो रही है तो फॉर्म एक डिक्लेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। फॉर्म डिक्लेयर होने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप इसका एक्शन स्पेसिफाई करना होगा कि फॉर्म सबमिट के बाद कहाँ जाए। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं एक्शन और इधर लिख देते हैं TSPGM 10। ठीक है, ये अपना हो गया फॉर्म सेटअप। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम फाइल वाला देखते हैं कि फाइल कैसे अपलोड करवा सकते हैं, यूज़र को ऐसे कैसे ऑप्शन दे सकते हैं जिससे वो फाइल अपलोड कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं पहले देखो एक इनपुट टैग डाल दिया और इसके अंदर अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या टाइप। ठीक है, तो टाइप लिखा, टाइप में अपन लिख देते हैं फाइल। ठीक है, ये अपना फाइल टाइप हो गया। अब यहाँ पे आप नेम दे सकते हो इसको, यूज़र अपलोडेड फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया यूज़र अपलोडेड फाइल। अब इसके ऊपर एक हेडिंग और डाल देते हैं H2 और यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट फील्ड टाइप और यहाँ आ जाएगा फाइल। ठीक है, ये हमने फाइल इनपुट टाइप के लिए बनाया है। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा चूज फाइल, नो फाइल चूजन और इनपुट फील्ड टाइप फाइल, ये हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे यूज़र इस पर क्लिक करता है तो उसको कुछ इस तरह की एक विंडो ओपन होती है, जिस विंडो में वो यहाँ पे से कुछ भी अपना सेलेक्ट कर सकता है, जो भी फाइल उसको सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। अब नॉर्मली जैसे यूज़र कुछ सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे वो लिखा हुआ भी आ जाएगा कि दिस फाइल हैज़ बीन सेलेक्टेड, और फिर उसके बाद में हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो डेटा आगे ट्रांसफ़र होता है, वो अपन देखेंगे आने वाले सेशन में जब अपन बैकएंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ हमने इतना देखा कि कैसे हम एक इनपुट फील्ड को बना सकते हैं जो फाइल अपलोड करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, सिंटेक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको बस लिखना है इनपुट, टाइप में आ जाएगा फाइल और यहाँ पे नेम आ जाएगा यूज़र अपलोडेड फाइल। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो फाइल्स थी वो यहाँ पे अपलोड होने के लिए आपको एक वे मिल गया। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपसे ऑप्शंस पूछेगा और फिर उन ऑप्शंस में से जो भी आपको फाइल सेलेक्ट करनी है आप वो फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर और रीसेट इनपुट फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए पहले हमें कुछ इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसके एग्जांपल के लिए पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे एच, या फिर एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं बेसिक सा टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप
टेक्स्ट, क्योंकि क्लियर को देखना है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। नेम डाल देते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट, ठीक है। अब ये रेडी है। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे यहाँ पे H2, इधर लिखते हैं इनपुट फाइल, यहाँ पे ऊपर भी फाइल आएगा, इनपुट फाइल, इनपुट फील्ड टाइप, इट शुड बी फील्ड टाइप, ओके। और यहाँ पे भी आएगा इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड टाइप, और इधर लिख देते हैं रीसेट, ठीक है। तो रीसेट के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इनपुट फील्ड डालना है, इनपुट, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं टाइप में रीसेट। ये अपने टाइप डाल दिया। अब चाहो तो इसका नेम डाल सकते हो, नेम हमेशा डालना ही होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आ जाएगा रीसेट, ठीक है। इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे हो कि इसका जो टाइप आया वो कैसा आया, एज ए रीसेट बटन आया है, ठीक है। तो क्या इसमें रीसेट होगा देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखा, अब मैंने क्लिक किया रीसेट पे, तो जैसे ही मैं रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ सब कुछ, इवन ये फील्ड नहीं, जितने भी फील्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर आप लिखते हो, जैसे टेस्ट 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से मैंने रीसेट पे क्लिक किया, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर हमारे को रीसेट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास 10 to 15 फील्ड्स है। अब हमने कुछ डेटा उसमें मेंशन किया, और डेटा मेंशन करने के बाद में हमें लगा कि नहीं, वो डेटा जो था वो रॉन्ग था और हमें उसको रिवर्ट करना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में सिंपली हमें एक रीसेट बटन ऐड करना है अपने फॉर्म के अंदर, और जैसे ही यूज़र वो रीसेट बटन को क्लिक करेगा, क्लिक करते ही जितना भी उसका डेटा उस फॉर्म फील्ड्स में था वो सब सेटअप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन इसमें से एक होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि इनपुट टाइप है, बट एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, एज ए बटन वर्क कर रहा है ना। तो ये बटन ही है, ठीक है। अब अगर अपन इसको यहाँ से देखें, तो रीसेट में क्या लिखा हुआ, टाइप में क्या लिखा, रीसेट। उसी तरह से हमारे पास एक सबमिट बटन भी होता है, इनपुट फील्ड टाइप सबमिट। तो उसको भी इसी सेशन में देख लेते हैं, कोरिलेटेड हो जाएंगे सारे एक साथ। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट फील्ड टाइप सबमिट, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे अपन बटन ऐड करते थे हर सेशन में, तो बटन की जगह पे आप इनपुट फील्ड को भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मेट है, इनपुट लिखना है, यहाँ पे लिखना है इसका टाइप, और इधर आ जाएगा बटन। बटन भी है, सबमिट भी है, बट अपन अभी सबमिट के लिए बात कर रहे हैं। तो सबमिट आएगा, और टाइप में लिख देते हैं, इवन इतना भी लिख के अगर अपन इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट, और इसको करता हूँ सबमिट। तो जैसे ही सबमिट किया, तो क्या कह रहा है इसने, ये अपने को न्यू इस फोल्डर पे, इस न्यू वाले लोकेशन पे ले आया है ना। अब देखो आप, यूज़र अपलोडेड फाइल क्या आ रहा है, M% यूज़र नेम इक्वल टाइप, मतलब वहाँ पे जो हमारे पास यूज़र अपलोडेड फाइल है उसमें कुछ भी हमने अपलोड नहीं किया, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, और यूज़र नेम में आ रहा है टेस्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया था टेस्ट। तो इस तरह से, और मूव कहाँ पे हुआ हमारा डेटा, मूव हुआ हमारा TSPGM 10 पे। TSPGM 10 हमने एक्शन में डाला था, तो जैसे ही एक्शन पे आप क्लिक करोगे, मतलब जैसे ही सबमिट होगा फॉर्म, तो वो एक्शन वाले पेज पे मूव कर देता है, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास रीसेट ऑप्शन भी है, तो अगर आप रीसेट क्लिक करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, और फिर सबमिट करोगे तो कुछ भी यहाँ पे डेटा हमारे पास नहीं जा रहा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, रीसेट और सबमिट दोनों साथ साथ में रखे जाते हैं बटन्स, इनपुट फील्ड्स, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना, बटन्स हमारे पास एक अलग चीज़ है और इनपुट फील्ड अलग चीज़ है ना। इनपुट फील्ड के थ्रू भी हम बटन्स का वर्क करवा रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा हमने रीसेट बनाया, हमने सबमिट बनाया, तो ये दोनों चीज़ आप इसमें भी बना सकते हैं। इवन नॉर्मल बटन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल बटन के लिए भी आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ करेंगे कॉपी इनपुट फील्ड टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा बटन। तो अब ये क्या होगा, नॉर्मल बटन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और इसका टाइप भी चेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से सब डिसाइड होता है। ये हो गया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखो ये नॉर्मल बटन, इसको आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो सबमिट, और क्लिक
सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब इस पर क्लिक करते हो तो कुछ भी सबमिट नहीं हो रहा है ना, ये नॉर्मल एक बटन है। इस बटन को आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि क्या इसका यूज़ करना है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये देखो खाली उतना ही डेटा लेके आया, करेक्ट, जो फील्ड्स था, फील्ड्स और फाइल, बाकी तो ये तीनों बटन की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा बटन है? ये रीसेट बटन है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो रीसेट हो जाएगा। ये सबमिट बटन है, ये फॉर्म को सबमिट करेगा, और ये नॉर्मल बटन है जिसका अपन बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।